जम्मू कश्मीर इताद मुलाजमीन इताद मुलाजमीन लाइफ फेडरेशन हमारी मांगे हमारी डीपीसी डीपीसी हम एक जिंदा होगा इतने रख जल्दी करो जल्दी करो हमें जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन डीपीसी डीपीसी मुलाजमीन इता जम्मू कश्मीर मेडिकल हमारी मांगे डीपीसी डीपी जो ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है इसकी एक ही गर्ज है कि हमारी जो साल से जो हमारी डीपीसी पेंडिंग पड़ी है ये अरसा दराज से हमारी ये एक देरीना है उसको हल किया जाए। हमारी जो प्रमोशन का मसला है हमारी कैटेगरीज का मसला है उसमें से हमने आज पूरा सेंटर से भी डायरेक्शन है उसमें स्टेट से भी डायरेक्शन है हमारे प्रेसिडेंट सुशील सुदन जी की डायरेक्शन जेरे कयादत जो है वो आज हमने यहाँ मंडी में भी पीसफुल जो है धरना रखा है। हमारी एक डिमांड खाली डीपीसी से नहीं मुराद है हमारी जो 2211 की हमारी फीमेल मल्टीपर्पज वर्क एम्प्लाइज 2211 में आ रहे हैं तो उनकी 4-5 महीने से सैलरी जो है वो इरेगुलर है इसमें सैलरी जो है इसका कोई प्रॉपर वे होना चाहिए एक उनकी रेगुलर सैलरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी एक रजिस्ट्रेशन एक फार्मासिस्ट एक डिप्लोमा करता है उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन होती है वो अरसा दराज से हमारे जो है हमारा पूरा ट्रेड जो है वो इसके लिए जद्दोजहद जारी है लेकिन आज तक हमारी वो रजिस्ट्रेशन नहीं। हमारे साथी इसी सोच विचार में बेचारे इस दुनिया से भी रुखसत हो गए मगर उनको भी ये रजिस्ट्रेशन प्रोटेस्ट के हिसाब से जो हमारी जो डीपीसी है वो काफी साल से नहीं हो रही है। में अगर सीएचओ की पोस्ट को लेकर देखा जाए तो हमारे ब्लॉक में कोई सीएचओ नहीं है यहाँ के हर हमारी पीएससी में एक सीएचओ की पोस्ट सीजे रोक के बैठे हुए हैं और एक जो न्यू पीएससी है वहाँ हर न्यू पीएससी में एलएचयू की पोस्ट है जहाँ तक कि हमारे ब्लॉक बैठी हुई हैं उनको एलएचयू की पोस्ट के लिए नहीं भेजा जाता है डीपीसी नहीं कर रहे हैं और जो एमपीडब्ल्यू हैं एलएचयू की ट्रेनिंग के लिए भेजना है या हेल्थ एजुकेटर बनाना है वो सारी डीपीसी रोक के बैठे हुए हैं जैसे कि गवर्नमेंट कहती है कि हर पार्ट नहीं हो रही है। आपकी क्या हाँ अपील है कि ये डीपीसी जो डीपीसी हर 5 साल डीपीसी होती है जैसे एमपीडब्ल्यू की भी डीपीसी एलएचवी की सीएचओ की ये सब की डीपीसी होनी चाहिए और दूसरा मुद्दा है ये है कि जो 2500 4-5 महीने से सैलरी नहीं निकल रही है आप इस इतनी बड़ी महंगाई में अगर 4-5 महीने किसी एमपीडब्ल्यू की तो उसके घर पे क्या असर पड़ता है। कई घर ऐसे भी हैं जहाँ एक सिंगल हैंड एक सिंगल एमपीडब्ल्यू जो कमाती है तो पूरी डिटेल में मैं आपको क्या बताऊं ये गवर्नमेंट खुद समझदार है कि किसी का अगर उधार लिया है तो उसको टाइम पे अगर पैसे नहीं देंगे दूध फी नहीं देंगे तो फिर हमारे घर पे क्या असर पड़ता है ये तो गवर्नमेंट को खुद पता है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में क्या जाऊँ लेकिन मसले जो हैं ये जल्दी से जल्दी हल होने चाहिए। सरदार प्रदीप सिंह बाली फेडरेशन का पूरे प्रोविंस का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं। मेंबर होने के नाते जैसे ही प्रोटेस्ट आज का जो पीसफुल हमारा धरना है वो पहला मुद्दा हमारा है कि जो हमारी 5 साल से डीपीसी जो है हम रोक के रखी हैं वो प्रमोशन नहीं हो रही हैं। दूसरा ऑल कैटेगरी की जो इसमें प्रमोशन है चाहे सफाई कर्मचारी से लेके हमारे ऊपर तक स्टाफ क्लैरिकल भी इसमें स्टाफ आता है
और दूसरा जो हमारी बहनें जो हमारे भाई 2211 हेड में लगे 6 महीने से उनकी जो सैलरी गवर्नमेंट जो है वो रिलीज नहीं कर रही है। आज महंगाई के इस दौर में जो आज हमारा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही अपील होगी और डिप्टी कमिश्नर पॉइंट साहब से यही अपील होगी, ये हमारी जो दरीना मांग पॉइंट साहब से का धरना है, ये हमें ऊपर हमारी जो सुशील सोदन जी प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉज फेडरेशन के तले और मेडिकल एम्प्लॉज फेडरेशन के बैनर के तले आज हम SDI मंडी में भी जो पूरा मन जो ऐतराज है हमारा के और गवर्नमेंट को अपनी दरीना मांगे जो पिछले 5 साल से पड़ी हुई हैं, खासकर जो हमारी DPC है, देखो प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया कि एक फार्मासिस्ट है, वो फार्मासिस्ट ही लगता है, आखिर में वो फार्मासिस्ट ही रिटायर जाता है। मसला है गवर्नमेंट की पॉलिसी हमें समझ नहीं आती है, कई आदमी को ड्यूरिंग सर्विस ही रजिस्ट्रेशन मिल गई है लेकिन हमें आज वो नहीं मिल रही है। हमारी यही अपील होगी सबसे पहले जो जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले वो DPC की जाए और की जाए और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है हमारी वो रजिस्ट्रेशन की जाए।